रिफत आसिया शाहीन बुनियादी तौर पर एक गजल गो शायरा हैं। माशरे में हो रही समाजी, सियासी और माशी तब्दीलियों पर आपकी गहरी नज़र है। जो कुछ वो मुशाहदा करती हैं और जो तजुर्बे से गुजरती हैं, उन्हें शेरी खालिब में ढाल कर अवाम के रूबरू पेश करती हैं। अपने तजुर्बात और मुशाहदात को निचोड़ कर उन्होंने इसे अपनी पहली शेरी तस्वीर बरगे रेशम में समोया है, जिसकी शहर गुलबर्गा में रस्म रूनमाई अंजाम दी गई। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के ऐवान बंदे नवाज में प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी, साबिक सदर शोबे उर्दू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के हाथों इस शेरी तस्नीफ की रस्म रूनमाई अंजाम दी गई। मुमताज शायर नक्काद सीनियर साहबी जनाब हामिद अकमल साहब ने मेहमान खसूसी के तौर पर इजलास में शिरकत की। प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने रफत आसिया शाहीन की शायरी को फिक्र व आगाही की शायरी करार दिया। वहीं हामिद अकमल ने इनके अशार की तारीफ के साथ साथ कुछ जरीन मशवरे भी दिए। शायरा की आंख असली आगही भी है और अपने असर की रूह भी है, तो अब ये है कि भी उसको बयान करने का उनका बहुत सीधा आधार मिला है। कहीं किसी किस्म का कोई लफ्ज नहीं है जिसको हम जो है उसको मुश्किल समझ। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये शायरी की जुबान जो है वो रोजमर्रा की जुबान है। और इसको ये खूबी हमारे यहाँ है कि किसी भी शेर को पढ़े ज्यादातर शेर शायरा के यहाँ ऐसे हैं जो हमारे कानून को पढ़े सकते हैं। मैं याद करना चाहता हूँ कि मैंने उस किताब को पूरी ईमानदारी के साथ बहुत ही गहराई से उसका मुताला किया मैंने, और कई अशार मुझे बहुत पसंद आए। आपके तस्वीरात जरूर अच्छे, आवाज़ बहुत अच्छे हैं आपके, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, और बेटो अशार कहने का जज्बा आपसे उसी तरह मौजूद है जिस तरह कुछ बातें कहने का जज्बा मैं आप महसूस करती हूँ। अच्छा, इन साहिबा के हवाले से मैंने अपने बहुत से दोस्तों से खिताब किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो डॉक्टर ममिना बेगम लेक्चरर केबीएन यूनिवर्सिटी और वाजिद अख्तर सिद्दीकी मौलिम ने रफत आसिया शाहीन के फिक्र फन पर मिकाले पेश किए। दोनों मिकाला निगारों ने रफत आसिया शाहीन के कलाम के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। रफत आसिया की शायरी का बेशतर हिस्सा निसाई अदब से परे है। हैरत की बात है कि उनका बहुत सारा कलाम मुख्तलिफुल जहात मौजूआत का आयनादार है। उनकी हर गज़ल हर एक शेर में उनकी हर गज़ल और हर एक शेर में नया जहान आबाद होता हुआ नज़र आता है। उनके यहाँ कई अशार खारी को न सिर्फ झिझोड़ते हैं बल्कि सोचने और गौर फिक्र करने पर मजबूर करते हैं। उनकी शायरी में ना तो उदासी छाई होती है और ना ही मायूसी। उनका हर शेर जिंदा दिली की आवाज बनकर उभरता है। बरगरेशम जिंदगी के बारे में इनकी गुनाहों मुशाहिदात का मामा से इनके मजमू कलाम बरगरेशम मौजूआत के लिहाज से तो वैसे तेजी उवास पेश करते हैं, और इसके साथ साथ बरगरेशम के मुताले से अक्सर ऐसा महसूस होता है कि रिफत आसिया शाहीन ने मनाजिर फितरत में कोई नुक्ता तलाश कर रही है या फिर जिंदगी के बाज़ाहिर बेमानी रंजो गम और मनाजिर फितरत की तह में किसी मखसूस असास की खोज में। इस मुख्तसर तकरीब की सदारत सदर अंजुमन डॉक्टर पीरज़ादा फहीमुद्दीन ने अंजाम दी। वहीं मोहम्मद मुजीब साहब मुदर्रिस ने रफत आसिया शाहीन के अदबी सफर को बयान किया। कि खातून को अपने घरेलू जिम्मेदारी के अलावा शेर व सुफन की और बाहर के अदबी महफिलों की में रहना, उसकी तख्लीक करना, ये बहुत दिक्कत काम है मर्दों को। हमको शायद इतनी आसानी से समझ में नहीं आता कि ऐसा हो जाता है। उन्हें सोबतें बहुत कम नसीब होती हैं, यहाँ वहाँ बैठने की, जलसे अटेंड करने की, लिखने की, पढ़ने का वक्त बहुत कम मिलता है। इसके बावजूद कोई खातून अगर शेर तख्लीक करती हैं, अफसाने तख्लीक करती हैं, तो उनकी तारीफ बहुत तारीफ और तौसीफ होनी चाहिए। इसीलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अपनी जिम्मेदारी, बच्चे, शौक को संभालते हुए भी इन्होंने
उस माहौल में भी उन्होंने उस शेर को जिंदा रखा है, उसको कर रही हैं। रफ़त आसिया साहबा की पैदाइश 1 अगस्त 1972 सगर शरीफ जिला यादगीर कर्नाटक में हुई। आप बैक वक्त शायरा व अफसाने निगार भी हैं, अलावा अजीम आप मजामीन भी लिखती हैं। वैसे आपने 1988 से लिखते आ रही है, दरमियान में किसी कभी खामोशी के बाद आपने 2015 से मुसलसिल लिखना शुरू किया। 1995 में रिश्ते अजवाज से मुस्तल मुंसलिक होने के बाद आप विशाखापट्टनम मुंतकिल हुई। विशाखापट्टनम में इन्होंने उर्दू अदब की आबियारी में अपना ताउन अमल जारी रखा और वहाँ पर उर्दू की फ़ज़ा क़ायम की। वहाँ से बाकायदा इन्होंने मुशायरों में शिरकत का आगाज़ किया। 2021 में इन्होंने अपने ही नाम से बज़्म शाहीन अदब की बुनियाद रखी। इस बज़्म के तहत इन्होंने कई कुल हिंद मुशायरे मुनक़िद करवाए। रफ़त आसिया शाहीन साहबा इन दिनों खुद भी मुशायरों में शिरकत करती आ रही हैं। बर्ग रेशम आपकी ये पहली तस्कीफ है, मजामीन का मजमुआ ज़ेर इशात है। इस मौके पर मोहतरमा रफ़त आसिया शाहीन ने भी इजहार ख्याल किया और अपनी रुदाद हाजरीन के सामने रखी। मेरा अदबी सफ़र 1987 ईस्वी में मेरे एक अफसाने से शुरू हुआ, जो ऑल इंडिया अफसाना निगारी के मुकाबले में अव्वल इनाम का हकदार बना। उस वक्त आर ए शाहीन के नाम से लिखा करती थी। यादगीर के बुजुर्ग शायर साबिर फखरुद्दीन साहब, फजल अफजल साहब, यादगीर की मौजूद हस्ती साकिब साहब, जौहर तिमापुरी साहब, तन्हा तिमापुरी साहब ने मुझे बहुत भरपूर हौसला अफजाई फरमाई। मैंने नसरी नज़मों के अलावा मजामीन, अफसाने और बहुत कम गज़लें उस वक्त लिखे। इल्म और उरूस की ना वाकिफियत की वजह से गज़लें कभी शाये नहीं करवाईं, लेकिन मेरी नज़में जब छपती रही थी, मेरी नज़में सालार डेली के अरबी एडिशन में मोहतरम हमीद अलमा साहब मरहूम की इदारत में शाये होती थी। एक नज़म अदबी रिसाला शायर में भी शाये हुई, जिसको पढ़कर किसी साहब ने कश्मीर से ख़त लिखा था और मुबारकबाद दी थी। ये सिलसिला लगभग 1999 ईस्वी तक चला के आसपास तक चलता रहा है। मगर कहते हैं ना कि हर एक की ज़िंदगी एकसा नहीं होती, ये रुख बदलती है। मेरी ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, नशीब उफराज आए, बड़े बड़े तूफान व सदमात आए। कई हादसों से गुजर कर जब ज़िंदगी कुछ संभल गई तो मुझे लगा कि मेरा अदबी सफ़र पीछे छूट गया है, मंजिल कहीं गुम हो गई है। अब तो चारों तरफ अंधेरा ही थी। अजवाजी ज़िंदगी और घरेलू मसरूफियात, बच्चों की परवरिश से ज़रा फुर्सत मिली तो पता चला कि आर ए शाहीन तो ज़िंदा ही नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी अदबी हलके में उनका नाम लिया जाता था। इंसान मर सकते हैं, तख्लीक़कार नहीं मर सकते। मेरे अंदर की तख्लीक़कार अभी ज़िंदा थी। बावजूद मुश्किलों और परेशानियों के मैंने हौसले मजबूत किए रखे और रोशनी की चाहत में तारीखियों से गुजरती रही, दरिया अबूर करने के लिए पानी की गहराइयों में उतरती रही, आसमान छूने के लिए बुलंदियों पर परवास करती हुई, दोबारा 16-17 साल के तवील अरसे के बाद अल्लाह का नाम लेकर फिर एक बार अदबी सफ़र की शुरुआत की। जलसे का आगाज़ मोहम्मद मुजीब साहब मुदर्रिस के इक़रात कलाम पाक से हुआ। वहीं मोहतरमा शाहिदा बेगम मौलिमा ने निज़ामत के फ़रायज़ बहुस्न ख़ूबी अंजाम दिए। मोहतरमा शाहिदा बेगम के ही हदिया तशक्कुर पर जलसा इख्तिताम को पहुंचा। इस अदबी इजलास में हाजिरीन की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।